आपको सिर्फ एक काम करना है, सीएलसी के सिस्टम और बॉस को फॉलो करना है। बच्चा जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा था, सीएलसी उस टाइम तक उस बच्चे के साथ लगाव रखती है, उस परिवार के साथ लगाव रखती है। शरवण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने यहाँ सीकर को शिक्षा नगरी बनाई और इसकी पहचान अपने भारत में नहीं विश्व तक का है, पूरे संसार में है। बच्चे की रात को डेढ़ बजे तक बॉस यहाँ पे केयर करते थे। देवराज के दादा है हरिनाथ यादव, आपका बेटा 9th में आ गया। देवराज यादव लास्ट इस सेशन में 700 नंबर का स्कोर आया और आज वो मौलाना आजाद दिल्ली से अपनी डिग्री पूरी कर रहा है। तो दोस्तों ध्यान सुनना, ये 9th में आया, आपका बेटा आईटी में गया, आपका पोता 9th में आया मेडिकल में गया, 700 नंबर आए, आप आईटी दिल्ली में है। दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, दोनों के बच्चे 9th से मेरे पास आए। तो आप सोच लो, ये वो लोग हैं जिन्होंने इस सीएलसी का रिजल्ट देखा है। जय सीएल जी, मैं आप सभी को सीएलसी के बारे में बताता हूँ और अपने बच्चों के लिए आपको संदेश देना चाहता हूँ। अपने बच्चों को बेधड़क सीएलसी भेज दो, सीएलसी में शिक्षा, सुरक्षा, संस्कार और सफलता। और उसके साथ में मेरे घर पे एक प्रोग्राम किया था श्रवण जी ने, उसमें इनको ये कहा था मैंने, अगर थोड़ा सा गरीब बच्चों के लिए सहयोग, वो भी इन्होंने कर दिया। और अपने बच्चों बच्चियों के लिए कभी भी ये मत सोचना, अपने बच्चों को सफल हाथों में आप सौंप दो, अपने बच्चे सफल हो जाएंगे। और अपने ये जो मकान महल जागीरी ये जायदाद जो बनाते हैं, वो इनके लिए, इनको बनाने के लिए आप लगा दो, अपना बुढ़ापा आराम से निकल जाएगा। और मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, मतलब पूंजी मत जोड़ो, पूंजी अपनी, ये जो अपने छोटे बच्चे पोता पोती बेटे बेटे हैं, यही अपनी पूंजी है। तो मैं तो आपको सबको यही कहना चाहता हूँ, सीएलसी को भेज दो। और अपने सीएलसी ने, मैंने एमए यहाँ शिक्षक से की थी कल्याण कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस में, तो यहाँ कुछ भी नहीं था अपने बच्चों के लिए। तो मैं तो श्रवण जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने अपने यहाँ सीकर को शिक्षा नगरी बनाई और इसकी पहचान अपने भारत में नहीं विश्व तक का है, पूरे संसार में है। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आपको सबको, अपने बच्चों को बेधड़क भेज दो सीएलसी। धन्यवाद। ये हमारे हरिनाथ जी, इनका नाम बड़ा अच्छा हरिनाथ जी, क्योंकि मेरे गुरुदेव का नाम हरिनाथ है, तो कामन हरनाथ बोलूंगा, हरनाथ को नहीं, आप हरिनाथ बोला करो थे। आप देखो साहब, आपको हरिनाथ जी की तरह मुझ पे विश्वास करना होगा, आपको हरिनाथ या बनवारी पूनिया बनना होगा। मैं तो सबके लिए बहुत श्रवण हूं साहब, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? और मैं आपको ये बता दूं, एक मेरी पोती है वो यहीं से पढ़ के गई है, उसका एम्स दिल्ली में नर्सिंग में हुआ है। और अब कम से कम मेरे पोते पोती और बेटे बेटी और भांजे, ये कम से कम 30-40 बच्चे यहीं पढ़ रहे हैं। तो मैं तो आपको, मेरा पूर्ण विश्वास है कि यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं। भाई आप पैसे कमा लो कितने ही, लेकिन यदि अपना बुढ़ापा का सारा चाहते हो तो बच्चों के लिए खर्च कर दो, ये पूंजी है अपनी। थैंक यू। तो ये गार्जियन है, आप खुद एमए हैं, आप सोचो अपने टाइम आपने एमए किया, आप मास्टर ऑफ आर्ट्स में हैं, तो निश्चित बात आप पढ़े लिखे हैं और आपने डिसीजन लिया। अब मैं पुनिया जी से, जिनका एक बेटा मेडिकल में गया है, इस साल सेलेक्ट हुआ है, और बड़ा बेटा संजय पुनिया जो 9th से हमारे पास आ गया था, पूरी अपनी बात रखें। जय सी एल सी, मैं खाटू श्याम जी का रहने वाला हूँ। मैंने मेरे दोनों बच्चों को 9th क्लास से केवीएम में डाला था, दोनों बच्चों का केवीएम का रिजल्ट भी बढ़िया रहा, और एसटीएससी में संजय ने 10th और 12th दोनों में 2nd और 3rd रैंक हासिल की थी। उसके बाद कोरोना आ गया था, कोरोना में सीएलसी ने ऑनलाइन क्लासेस की बढ़िया व्यवस्था की, जिस वजह से मेरा बच्चा 12वीं के साथ आईआईटी दिल्ली में प्रवेश लिया बच्चे ने। और सबसे बड़ी बात, बच्चे की रात को डेढ़ बजे तक बॉस यहाँ पे केयर करते थे, और
ये नहीं है कि बच्चे का सिलेक्शन हो गया वहाँ तक सीएलसी साथ रही उसके बाद में बच्चे से कोई मतलब नहीं। अभी भी बच्चा जैसे एक महीने डेढ़ महीने से आता है तो बॉस कॉल करते हैं, हाँ संजय कैसा है, कैसी तेरी पढ़ाई चल रही है, आगे का तेरा क्या प्लान है। तो कहने का मतलब बच्चा जब तक अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच जाता सीएलसी उस टाइम तक उस बच्चे के साथ लगाव रखती है, उस परिवार के साथ लगाव रखती है। और सीएलसी की वजह से ही एक बच्चा मेरा मेडिकल में है और एक बच्चा आईआईटी दिल्ली में है और दो बच्चे मेरे अभी सीएलसी में अध्ययनरत है, भविष्य में उम्मीद है वो भी सीएलसी से। श्योर, पक्का। थैंक यू थैंक यू। बैठे आप लोग।